जी अस्सलाम वालेकुम। अकबर यार अपॉइंटेड नहीं है। जी क्या हाल है आप सबके? खैरियत हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वही टिपिकल क्वेश्चन, कल तक जो देखा था उसके हवाले से कोई डिस्कशन। कल आपने जो भिजवाए थे अपनी ग्राफ, उसके अंदर अक्सर के ठीक थे और कुछ के गलतियां थी। जो ठीक थे वो तो ठीक थे, जो नहीं थे ठीक उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि जब भी आपने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, यू नीड टू कट दैट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम द लीस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जहां से आपने कट किया वहां से आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुड इंक्रीजिंग, स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये नहीं हो सकता जिस किसी ने भी कुछ इस तरह की बना के फिर इस तरह का कर दिया कि उससे नीचे भी अभी भी फिर मजीद नीचे जा रही थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो वो गलत हो जाएगा। सो दिस नीड टू बी वेरी केयरफुली थिंक अबाउट और इसको ध्यान से करना है। ये हम समझते हैं कि हमारा ग्राफ ठीक था लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्चुअली गलती है। हमें ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है तो फिर एवरेज कॉस्ट मजीद कम नहीं हो सकती, एवरेज कॉस्ट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। ऐसे ही है ना? मार्जिनल कॉस्ट हमने पढ़ी थी ना, मार्जिनल कॉस्ट 100 थी, 80, 70, 60 और वो डिक्रीज हो रही थी पहले, तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में जब ये 70, 80, 90, 100 और फिर 100 अगर ये एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गई है तो इसके बाद क्या होता था? इससे पहले तक एवरेज कॉस्ट इज लेस देन आवर, मोर देन आवर, उसकी वजह से। फिर इसके बाद क्या होता था? अगर ये 100 से 110 हुई तो एवरेज कॉस्ट भी स्टार्ट इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती थी डिक्रीज होने की बजाय। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्चुअली कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाती है उसके बाद एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, और हमारा जो किताब से जरा देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन की बातें कर रहे हैं हम, उसके फीचर्स आपने देख लिए थे पहले भी, फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री सर्किट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी, फंड्स आर प्राइस टेकर्स, ये सारे फीचर्स हैं हमारे जो हमने पहले पढ़े थे और सिर्फ किताब के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, बाकी हमने पढ़ चुके हुए, तो इसके अंदर मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा हूं अभी, तो मैंने जो परफेक्ट कंपटीशन को कंसोलिडेट कर रहा हूं, आज परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन कौन सा है उसको देखेंगे और फिर मोनोपोली की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इंडस्ट्री का
वही मामला है क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड करनी है, डिमांड एंड सप्लाई इंडस्ट्री की होगी, उसकी बेस के ऊपर आपकी एआर और एमआर है, जिसको एआर इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है इंडस्ट्री की और ये डिमांड कर्व है फर्म की। ये जरा थोड़ा सा ध्यान से इधर देखना है। एआर को हम जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है, इसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, डिमांड कर्व ऑफ फर्म, फर्म की डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे डिमांड कर्व हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक आती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ मैं उसको ये एक नया फैक्टर डिमांड का यहां पे डी इज इक्वल टू ए आर लिखा हुआ उसने, इसको आइडेंटिफाई किया इज इक्वल टू एम आर। डी वो क्या है, दिस डिमांड कर्व, डी इज इक्वल टू ए आर, और यही एम आर भी है, हमने परफेक्ट कंपटीशन के सिलसिले में देख चुके हुए हैं, और यहां पे ही प्राइस आती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कल तक हम देख चुके थे, प्राइस आई, आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व इधर, मार्जिन कॉस्ट कर्व इधर, तो जहां पे मार्जिन कॉस्ट ने आपकी मार्जिन कॉस्ट ने एम आर को कट किया, ए आर एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी इज इक्वल टू एम आर, और वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हमने प्रोडक्शन करनी है, वहां पे कॉस्ट ये है, वहां पे रेवेन्यू ये है, कल तक हम देख चुके हैं, कोई नई बात तो नहीं इसमें। जो यहां पे एक पॉइंट जो नोट करने का है कि हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपको Q0 तक प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोडक्शन करें, इतनी सेल करें, लेकिन जो आपकी मिनिमम कॉस्ट है, अगर आप मिनिमम कॉस्ट देखें, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, बाकी जो चीजें पड़ी हुई हैं वो सारा उसी तरह ही है, लेकिन जब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए जहां पे आपका ए आर इज मोर देन योर ए सी, आप अपनी प्रोडक्शन को इनएफिशिएंट कॉस्ट के अंदर भी लेके जा रहे हैं। एफिशिएंट कॉस्ट क्या होती, जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गई है वो एफिशिएंट कॉस्ट है, ऐसा ही है ना। आप जब भी कोई प्रोडक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, चेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, चेयर की प्रोडक्शन करते करते एक लेवल आया जहां पे आप मिनिमम और एफिशिएंटली उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल 700 रुपए की एक चेयर पड़ रही है, पहले 800 की थी, फिर 900 की थी, अब वो 700 की चेयर पड़ रही है, एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर इज नाउ 700। तो आप क्या चाहेंगे कि यार जहां पे 700 मिनिमम कॉस्ट इसकी पड़ रही है मैं वहां तक प्रोड्यूस करूं, और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं मिनिमम पे तो 700 है लेकिन ये 750 तक आप लेके जाएं, इसको प्रोड्यूस करें। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इक्लिब हमारा जो फर्म के इक्लिब्रियम का फार्मूला था ना, जिसने कहा था एम सी इज इक्वल टू एम आर, वो बताता है कि यहां पे फर्म का जो टोटल रेवेन्यू, फर्म की टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान में मैक्सिमम गैप होगा इस पॉइंट तक। तो यहां पे हम मैक्सिमम फर्म, फिर बाद हम फर्म की कर रहे हैं, फर्म इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी, फर्म इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी,
मिनिमम कॉस्ट किस पॉइंट पर है, वो इस पॉइंट पर है मिनिमम कॉस्ट, बट वी आर एक्सटेंडिंग आवर प्रोडक्शन टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम अपनी एक प्रोडक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहां पे यही बात उन्होंने बताई है, रिकॉलिंग दैट हाई प्रोडक्टिविटी लीड्स टू लो यूनिट कॉस्ट, वी कैन सी दैट दिस फर्म इज इंड्योरिंग ड्राइविंग यूनिट कॉस्ट इन ऑर्डर टू सप्लाई the present quantity. This means it is using society's resource inefficiently. Efficient society के resource होते तो यहां तक बस रुक जाती, लेकिन extra cost क्यों, क्योंकि firm का profit यहां पर ज्यादा आएगा इसलिए वो extra cost लगा रही है। ठीक है जी, इस paragraph को understand कराने के लिए ये मैंने सारी बातें कही हैं। आई समझ के अगली भी गई, शरोज क्या हाल है, जी सर अच्छा जी, सब नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो कल हमने बात कही थी कि जी के इसको आप बना के दिखाएं, वही बात डिमांड सप्लाई इधर से प्राइस, आपकी डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व फर्म की है, और आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और आपने एम सी इज इक्वल टू एम आर यहाँ तक आपने प्रोड्यूस करना है, और ये आपका इसका मतलब है कि आप नॉर्मल लॉस में, सब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस की स्थिति से। अच्छा जी, शट डाउन कंडीशन, शट डाउन कंडीशन कहते हैं, एक चौथी कंडीशन हमारी कल रह गई थी जिसमें हमने कहा कि फर्म का ए आर इज इक्वल टू ए वी सी, यहां पे ये बात कर रहे हैं, प्राइस यूनिट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ए आर इज इक्वल टू ए वी सी। इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें इसकी, शॉर्ट रन एग्रीगेट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड देन वी हैव समथिंग लाइक दैट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट और इसके मुकाबले पे दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, और ये आ गया प्राइस एंड देन वी हैव मार्जिन कॉस्ट कर्व। Marginal cost. This is the cost. This is the price. This is cost. This is cost. This is price. अब देखें, आप अपनी जो short term variable cost curve है, अब इसमें हमने किया क्या, यहां पर समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है डिमांड और सप्लाई से, डिमांड और सप्लाई से जो प्राइस बनी, फिर एआर और एमआर जो हमारा बन रहा है, ये कहता है कि आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस क्वांटिटी यू नीड टू प्रोड्यूस। अब जो फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, और कौन सी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही, हमने देखा था इन दो के दरमियान में जो गैप है वो
फिक्स कॉस्ट की वजह से होता था, एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से इन दोनों के दरमियान में गैप होता है, याद है? ये जो गैप था वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट का जो गैप था, दिस गैप गैप वॉज ड्यू टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। मुझे याद है वो, जरा जरा तुम्हें याद हो क्या ना, याद हो? तो जब फर्म इस लेवल पर सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो फर्म सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और फर्म अपनी जो फिक्स कॉस्ट थी उसको रिकवर नहीं कर पा रही। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, यहां पे डिफरेंट व्यूज हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जनाब जब आप इस सिचुएशन पर आ जाएं, तो आप यू शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग और शट डाउन कर देना चाहिए। आपको अपनी प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप अपनी कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे, इसलिए यू शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग। और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि नहीं सर, इतना नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे भी शट डाउन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जनाब ये जो फिक्स कॉस्ट है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, ये तो आपने प्रोडक्शन करें या ना करें, ये तो आपने इंटर करनी ही करनी थी। चाहे आप जीरो यूनिट प्रोड्यूस करते तब भी आपने फिक्स कॉस्ट इंकर करनी थी, और चाहे 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करते तब भी आपने फिक्स कॉस्ट इंकर करनी थी। सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि यहां पे हमें नजर आ रहा है कि मिल पा रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो यू शुड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, इस पॉइंट पे शट डाउन ना करें। हाँ, अगर आपकी मार्केट कंडीशन कुछ और गंदी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड इधर आ गई, प्राइस आपकी इससे भी नीचे गिर गई, आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर ना कर पा रहे हो, फिर यू शुड शट डाउन। आपने क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हैं और वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, ओनली देन यू शुड शट डाउन। ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है जी। द मार्केट प्राइस दैट फोर्सेस अ फर्म टू एग्जिट द मार्केट, दिस अकर्स व्हेन पी इज लेस देन ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो ये कहते हैं जी कि पी इज लेस देन ए बी सी, लेस देन ए बी सी, यहां पे जो हमने नीचे वाली बात की, पी इज लेस देन ए बी सी। द रीजन फॉर दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड आल्सो संक कॉस्ट, जिसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इन द शॉर्ट रन द फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज टोटल रेवेन्यू कवर्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और put another way, so long as price per unit is greater than or equal to average variable costs. kya yahan tak to jahan jab tak average variable cost aapko recover ho rahi hai yahan tak to aap produce karenge hi karenge. the reason for this is because a firm must pay its fixed cost even if there is no output, assuming that these are sunk costs and therefore won't be covered in the shut firm shuts down. Then the loss per unit would be higher if the firm were to shut down so long as they were still able to cover the variable cost. It is therefore feasible for a firm to not shut down in the short run if P is less than AC. Average cost se to kam hai. Ab ye dekhen. P is less than AC. AC is this. Less than AC. AC se kam hai. Average cost se kam hai. Lekin still we are managing. इस पॉइंट के ऊपर वी आर मैनेजिंग, बट एज द प्राइस गोज डाउन द वेरिएबल कॉस्ट, जब वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चली जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा फर्म को सर्वाइव करना।
ठीक है जी, आई समझ? यहां पे वही बात हमने जो अभी अच्छा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में पहुंच गए जी। शॉर्ट रन शटडाउन की समझ आ गई, शटडाउन की समझ आ गई। जब तक आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है कुछ ना कुछ आप कंटिन्यू करते रहे, लेकिन जब आप फिक्स कॉस्ट के ऊपर आ गए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है वो कहते हैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे चली गई तो फिर तो आप समझोगे अल्लाह अल्लाह से हरी सल्ला। अच्छा जी, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में तो हमने देखा मार्केट की कंडीशन के साथ है, मार्केट हमें फोर्स करती है वो प्राइस बताती है, मार्केट हमें फोर्स करती है वो प्राइस बताती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन है? लॉन्ग रन में हमारे पे हम पे फर्म के ऊपर कोई फैक्टर फिक्स नहीं है, ऐसा ही है ना, लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कंडीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में हर शख्स आसानी के साथ मार्केट में एंटर भी हो सकता है और मार्केट से निकल भी सकता है, जा भी सकता है, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट अभी हमने देखा था। और परफेक्ट कंपटीशन में नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज हर किसी के पास अवेलेबल है। हमने परफेक्ट मोबिलिटी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो भी हमने देखी। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन के अंदर वो कहते हैं जनाब कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर, इन लॉन्ग रन एक ही चीज हो सकती है इन परफेक्ट कंपटीशन, पीसी परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कमा सकते लॉन्ग रन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात आपने कह दी, लॉन्ग रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकते या लॉस क्यों नहीं कर सकते लॉन्ग रन में? हम लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ आपने ये क्यों कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे? उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है? अगर हम लॉन्ग रन की जब बात करते हैं, अगर मार्केट प्राइस इस तरह की है, ये अब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, अब मार्केट प्राइस इस तरह की है कि वो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे रही है, इफ मार्केट प्राइस इज लाइक दैट कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं फर्म्स, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि MC इज इक्वल टू MR कहां पे है, इस जगह पे, और ये प्राइस थी, ये AR थी, ये MR थी, ठीक है जी। तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि आपकी कॉस्ट किधर है, यहां पे कॉस्ट इधर है। अगर लॉन्ग रन के अंदर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे तो वो भाई साहब कहते हैं कि भाईजान सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपकी मार्केट के ऊपर, अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो मार्केट के ऊपर असर होगा। क्या असर होगा? सब लोग आ जाएंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई आ जाओ फ्री मार्केट, फ्री एंट्री है, लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे भाईजान ये तो मजे ही बड़े हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, आपको जो प्रॉफिट आप डिजायर करते हैं उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का गुंजाइश मौजूद है।
तो मार्केट में लामहाला लाजमी लाजमी लोग एंट्री क्योंकि फ्री है तो लोग आ जाएंगे मार्केट के अंदर। वो मार्केट में जब आएंगे तो आपकी सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइस डाउन जाएगी। प्राइस डाउन जाएगी तो आपकी प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाएगी, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन थी, ए आर इक्वल टू ए सी, आपकी लामहाला वहां पे पहुंच जाएगी। नहीं मैम अलीशा, मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन को। प्राइस ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, देन प्राइस लेस। तो वो हम जब प्राइस ज्यादा है, लोग थोड़े थे, तो वो लॉन्ग रन के अंदर, अब ये है कंडीशन लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन की कंडीशन के अंदर डेफिनेटली इफ दे सी के हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो फिर अपनी ज्यादा लोग फिर इधर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट, तो ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आएंगे तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये मैं समझा रहा हूं। मार्केट की कंडीशन चेंज हुई तो आपकी लामहाला फर्म के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि फर्म इज प्राइस टेकर। और फर्म लॉस क्यों नहीं कर सकती? आपने कहा सर चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि फर्म लॉस लॉस भी तो कर सकती है ना, कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो अगर फर्म लॉस करती, फॉर एग्जांपल फर्म की ये सप्लाई कब होती या प्राइस डिमांड कब चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो, अगर फॉर एग्जांपल ये सप्लाई कब होती तो इस सप्लाई कब के ऊपर आपकी प्राइस वुड हैव बीन लाइक दिस। अब क्या था, लॉस हो रहा है, लॉस होने के ऊपर लोग फर्म, लॉन्ग रन की बात हो रही है ना, फर्म रहेंगे मार्केट के अंदर नहीं रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अब छोड़ के जाएंगे तो आप फिर अल्टीमेटली आप यू विल एंड अप ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ना लास्ट में आप एंड अप हो सकते हैं, ना आप प्रॉफिट में एंड अप हो सकते हैं। लॉन्ग रन के अंदर देयर इज ओनली वन सिचुएशन फॉर द फर्म एंड दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट इस सिचुएशन के अंदर जहां पे आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू योर एआर, ये सिचुएशन ही आपकी लॉन्ग रन के अंदर प्रवेल कर सकती है और कोई सिचुएशन प्रवेल नहीं कर सकती ड्यू टू मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर में इजी एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट उसकी वजह से। और यहाँ पे चलते हैं, यही बातें हमें यहाँ पे भी बताई हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आईकैप में कई दफा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नॉर्मल प्रॉफिट ही रहता है और क्यों रहता है ये बताइए। तो वो हमें यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ, यहाँ पे देखें रिस्टोरेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये उसने बताया कि अगर सप्लाई यहाँ पे होती तो आप प्रॉफिट्स के अंदर होते, मार्जिनल कास्ट यहाँ पे कट कर रही होती और आप प्रॉफिट्स के अंदर होते, तो प्रॉफिट के अंदर लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी अरोडेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। हाई प्राइस विल अट्रैक्ट मोर फर्म इन द मार्केट, द इंक्रीज सप्लाई विल लोअर द प्राइस। आप ज्यादा फर्म आई, सप्लाई नीचे गई, प्राइस नीचे गई, विद डिमांड स्टेइंग कॉन्स्टेंट दिस विल कॉज द प्राइस टू ड्रॉप अगेन टू P1, दिस इज द लेवल एट द बॉटम ऑफ AC कर्व, जो हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, बॉटम ऑफ AC कर्व, ये वाली जो लेवल है यही सिर्फ मेंटेन हो सकता, बाकी और कोई लेवल मेंटेन नहीं हो सकता। पॉइंट टू, फर्म मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, एब्सेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। प्राइस इज एट इट्स लोएस्ट
feasible long-term level where it is just compensate the firm for the opportunity cost of the resources used. The firm produces efficiently where its AC is at the minimum. So long run के अंदर आपको सिर्फ normal profit मिल रहा होता है और आपका AC भी minimum है आप efficiently production करें. अच्छा मैंने ये कुछ terms use करता रहता हूँ मुझे लगता है कि पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही तो इसलिए इतना ब्राय मेहरबानी साज में yes no okay hello hi करते रह करें ताकि मुझे पता चले कि मैं सिर्फ दीवारों से बात नहीं कर रहा कुछ लोग भी हैं जो सुन रहे हैं और सोए नहीं हुए. अच्छा जी, let's move on. अब हमारा perfect competition is over. We will moving to monopoly और monopoly की discussion start करेंगे और उसको इंशाल्लाह बाकी conclude करेंगे कब. Monopoly क्या? Monopoly क्या होती है? वो एक card game है उसका नाम है monopoly. Monopoly क्या होती है भाई? जी, Monopoly एक ऐसा market structure है. हम अब extreme एक दूसरी तरफ चलेंगे. पहले हमने perfect competition में एक extreme देखी थी. अब हम ये एक other extreme है, जिसमें competition है ही नहीं. कंपटीशन को हमने सिरे से जीरो कर दिया क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है ना. तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन था और मोनोपोली के अंदर नो कंपटीशन है. मोनोपोली के सिचुएशन में वी से ओनली वन सप्लायर. एक सप्लायर है और जो आप प्रोडक्ट कर रहे हैं नो सब्स्टिट्यूट. उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई नहीं है ना. जो मार्केट में जिस मार्केट की हम ये बात कर रहे हैं वो जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट भी कोई नहीं है. कोई उसका मार्केट में प्रोड्यूसर भी कोई नहीं है. आप उसकी उसको ना यूज करें ये भी गुंजाइश नहीं है आपके पास. आपको उस प्रोड्यूसर से वो प्रोडक्ट खरीदनी ही खरीदनी है. फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो ओनली वन सप्लायर नो सब्स्टिट्यूट इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर क्या होता है? फर्म बिहेव लाइक मार्केट. क्योंकि वो अकेला एक सप्लायर है. इसका मतलब क्या है? फर्म बिहेव लाइक मार्केट. फर्म इज प्राइस मेकर. जो फर्म है उसने प्राइस बतानी है. मैं ये प्राइस लूंगा. ये जो चीज है ये प्रोडक्ट है ये मैं इतने की बेचूंगा. फर्म ने प्राइस बतानी है. फर्म के पास ही सारा इख्तियार है. पहले तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास बिल्कुल इख्तियार नहीं होता था. मार्केट जो प्राइस बताती थी उससे एक पैसा ऊपर नीचे नहीं कर सकता था. नीचे भी नहीं कर सकता था ऊपर भी नहीं कर सकता था. यहां पे बिल्कुल ही उल्टा है कि फर्म ने प्राइस बतानी है कि किस प्राइस के ऊपर मैं बेच दूंगा किस प्राइस के ऊपर मुझे से आप मुझसे खरीद सकते हैं. और बहुत सारे बायर्स मौजूद हैं. ओनली वन सप्लायर
लेकिन बायर्स आपके पास काफी हैं, उसकी बेस के ऊपर सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, फर्म को प्राइस के ऊपर पूरा इख्तियार कंट्रोल है, तो फिर क्या करेगी फर्म? आपका क्या ख्याल है, फर्म कितनी प्राइस चार्ज करेगी? हाईएस्ट एक चेयर है और मैं बना प्लीस्ट हूं, मैं ही उसको बनाने वाला हूं, दूसरे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चेयर का, चेयर दूसरी किसी तरह की चेयर बनती ही नहीं है, कोई और कुर्सी कोई और बैठने की तरतीब हो ही नहीं सकती, सिर्फ चेयर मैं ही बना रहा हूं, तो मैं कितनी प्राइस चार्ज करूंगा? क्या मैं उसके ऊपर 1,000 रुपया चार्ज करूंगा प्राइस, 1,00,000 रुपया चार्ज करूंगा या 10,00,000 रुपया चार्ज करूंगा, कितनी प्राइस चार्ज करूंगा? अलीशा ठीक कह रही है, अपनी मर्जी की चार्ज करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अपनी मर्जी का हाईएस्ट पॉसिबल, हमदान का ख्याल है कि हाईएस्ट पॉसिबल मुझे उस चेयर के लिए 10,00,000 की प्राइस चार्ज कर देनी चाहिए, लेकिन जो फर्म है वो किस मकसद के लिए बैठी हुई है? जो फर्म, हालांकि फर्म इज प्राइस मेकर, प्राइस मेकर, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ ही कैन, इट कैन अचीव हाईएस्ट प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट प्रॉफिट उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाउ ही कैन, इट कैन अचीव हाईएस्ट प्राइस, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना, अर्न करना, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर उस चेयर, चाहे अकेली मैं ही मार्केट में हूं, मैं ही उसको बेच सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उसकी इतनी कीमत रख दी कि कोई शख्स उसको खरीदने वाला ही ना हुआ, तो फिर तो मैं ये तो कह दूंगा कि मैंने 10,00,000 रुपया कीमत चार्ज की है, बट क्या मैं प्रॉफिट कमा सकूंगा? नहीं कमा सकूंगा, क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगी। तो जो फर्म के ऊपर रिस्ट्रिक्टिंग प्राइस डिटरमिन करते हुए, प्राइस चार्ज करते हुए जो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर आ रहा है हमारे सामने, वो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर हमें नजर आ रहा है कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड स्केड्यूल क्या बनेगा? ऐसे ही है ना, अगर मैं उसको 10,00,000 की बेचता हूं, 10,00,000 की जगह 5,00,000 की बेचता हूं, हो सकता है एक बंदा खरीदने वाला हो, 5,00,000 की जगह 50,000 की बेचता हूं, हो सकता है कोई 10 बंदे खरीदने वाले हों, 50,000 की जगह 5,000 खरीदता हूं, हो सकता है कोई 1,000 बंदे खरीदने वाले हों, 5,000 की जगह 500 की बेचता हूं, हो सकता है 1,00,000 बंदा खरीदने वाला आ जाए। तो अब जो फर्म को देखना है उसको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि भाईजान सिर्फ क्योंकि प्राइस मेकर तो मैं हूं, आई कैन बिहेव लाइक मार्केट, आई कैन सेट माय प्राइस, बट क्या मेरी प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग वो प्राइस पे कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसको बेचता हूं और जितनी भी लोग हैं वो सारे के सारे 10,00,000 पे कर सकते हैं, तो नो वरीज, मैं 10,00,000 उसकी प्राइस चार्ज करता हूं। सो मोनोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर जो रोकने वाला चीज है जो मोनोपोलिस्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो आपका डिमांड स्केड्यूल है, जो आपकी प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ उसको रोक रहा होता है। लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे, आज के दिन के लिए
और हम कल इसकी AR और MR बिल्ड करेंगे मोनोपोली की और उसको फिर आगे लेके चलेंगे। जी अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।